सूरत में जब हम मौजूद हैं और यहाँ पर कपड़े की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे साथ जब बेहद ही खास मेहमान मौजूद हो, ऐसी वैसी मेहमान नहीं बल्कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, रेल डिपार्टमेंट भी उनके पास है, कपड़ा डिपार्टमेंट भी उनके पास है, सूरत की बहुत ही जानी मानी नेता भी हैं। और अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं तो देखिए, वार्ड प्रमुख से जब सफर शुरू होता है किसी महिला का और राजनीति में वो आगे बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते सांसद से लेकर मंत्री तक ये सफर तय किया है। 2014 के चुनाव में हमारे साथ जो बेहद ही खास मेहमान हैं, उन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, एक रिकॉर्ड बनाया था। ये भी जानते हैं जरा वो किसका रिकॉर्ड था, दिलचस्पी लगेगी आपको ये जानने में। हमारे साथ दर्शना बेन जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शना जी डीडी न्यूज के इस खास कॉन्क्लेव में। किसका रिकॉर्ड तोड़ा था 2014 में आपका, आपने? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के रिकॉर्ड के बाद में 5,33,190 वोटों से मैं जीती थी 2014 का चुनाव। जब हम लोगों ने तय कर लिया था कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री जी बनेंगे, तो ये सब उनकी साथ में बढ़ी हुई हम लोगों के ग्राफ है कि प्रधानमंत्री बनाने के उत्साह में सूरत की जनता ने हर एक 100 में से 76 वोट्स मुझे दिए और वो सिलसिला चलता रहा। 19 के चुनाव में भी ये 76.78% तक रहा, तो ये बैलेंस हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद करती है। तो दर्शना बेन, क्या वजह रही इतना बड़ा रिकॉर्ड, 5 लाख से ज़्यादा मत जनता ने आपको दिए? सूरत इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ और इन्हीं के कारण यहाँ पे डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ पे आफत भी बहुत आई, प्लेग भी आया, बाढ़ भी आई, डिजास्टर बहुत सारे हुए, धरतीकंप भी आया, लेकिन एक फिनिक्स पंखी की तरह सूरतियों का जो मिजाज है वो वहाँ से उभर के उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ते हुए काम चालू रखा। तो इसी का परिणाम है कि यहाँ पे लोग मिलजुल कर, जैसे सूरत को मिनी भारत कहा जाता है, एक भी प्रांत ऐसा नहीं है कि जहाँ से लोगों ने यहाँ पे अपनी कर्मभूमि नहीं बनाई। और इसी के कारण ये हुआ है कि ये मिनी भारत वाले मॉडल में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट और इसके साथ में सूरत की जनता ने प्यार भी बहुत दिया, प्रधानमंत्री जी के काम को सराहा भी बहुत और उन्होंने जो जो इच्छाएँ व्यक्त की वो क्रमशः उनकी पूरी होती गई। तो ये जो आपने ट्रिपल इंजन का जो नारा दिया, ये ट्रिपल इंजन, तीसरा इंजन कौन है? कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन हमारा पिरामिड कैसे बनता है, जैसे मेरे कॉर्पोरेशन के सभी मेरे कॉर्पोरेटर, इसके बाद में मेरे 7 MLA और इसके बाद में मैं सांसद। तो जब महिलाओं को टिकट मिलती है, जब पहली बार 2009 में टिकट मिली थी तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे गुजरात में 3 महिलाओं को टिकट दिया था और 100% रिजल्ट। मैं जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष और महामंत्री हम दोनों, तो दोनों को टिकट मिला था, 100% रिजल्ट। इसके बाद में 2014 में ये 4 महिलाओं को टिकट मिला और चारों जीत कर आई और उन्होंने जब अपनी बड़ोदरा वाली सीट खाली करी वो भी महिलाओं को दिया, तो हम लोग 3 में से 5 हुई। और इसके बाद में जब हम 2019 का चुनाव लड़े तो हम लोग 6 थी और 6 को 6 हम जीत कर आई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है कि जहां 7 MLA बीजेपी विन होते हैं वहां पे ही महिला को टिकट देते हैं और सिर्फ देने के लिए नहीं, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जैसे मेरे परिवार में पहले भी कोई नहीं था, इसके बाद भी कोई नहीं आने वाला है, तो ऐसी महिला जो पहले से राजनीति में संगठन के माध्यम से, महिला मोर्चा के माध्यम से जुड़ी है, उनको पार्टी के साथ में मैं बड़ी हुई। जैसे पार्टी बड़ी होती गई, मैं बड़ी होती गई, अपनी विचारधारा को समझती गई, उसको लोगों तक लेके चली गई, जब जब जो भी जिम्मेदारी मिली उसको अच्छे तरीके से निभाया। और इसमें जो हमारी पार्टी विद द डिफरेंस की जो विचारधारा थी उसको लोगों तक लेके गई, महिलाओं को इसी तरह तैयार किया। और हम लोग आबादी के आधे लोग हैं तो महिला जब जुड़ जाती है तो पूरे मन से जुड़ती है और एक बार जुड़ने के बाद में वो अपना दिमाग नहीं बदलती, और वो ही चीज़ हम लोगों को यहाँ कामयाब रही। हमारी यहाँ 2 MLA महिला थी, अभी इसके बाद में कॉरपोरेशन में 50% महिला है, तो जितनी भी कॉरपोरेटर है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी संगठन
जो भारतीय जनता पार्टी का है और सबसे बड़ी पार्टी के संगठन में जितना महत्व महिलाओं को मिला है कहीं और पार्टी में नहीं मिला। हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करने का मौका मिला। मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी भी रही, फिर मैं केंद्र में भी जनरल सेक्रेटरी रही जहाँ पे गुजरात मॉडल पे लोग काम करना चाहते थे। श्रुति जी के साथ में जब हम लोगों ने पूरे देश का ब्यौरा किया तो ये चीज़ लोगों को अच्छी भी लगी कि हमारी पैटर्न पर काम करने लगे। यहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 26 जिले और 7 महानगर उस समय थे तो वहाँ पे महिलाओं के लिए योजना बनाई थी और उसके लिए सम्मेलन करे थे। वो सम्मेलन में जाना, लोगों को लाना, महिलाओं को लाना और महिलाओं को उनकी योजना के बारे में खुद बताना और उनको आप बताइए कि वो महिलाओं को कौन सी चीज़ सबसे बड़ी अच्छी लगी होगी। मैं ये 2014 की बात कर रही हूँ क्योंकि आपने बात 2014 से की और 2014 से पहले जब हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था, जब महिलाओं को तैयार कर रहे थे तो सबको दो चीज़ सबसे अच्छी लगी कि अगर स्कूल में बच्चा दाखिल होता है तो महिला माँ के नाम का जरूर उल्लेख होना चाहिए। मतलब पिता का नाम तो लगता है लेकिन अगर कोई बच्चा सिंगल मदर है और महिला का नाम लिखना चाहता, माता का नाम लिखना चाहता, वो चीज़ महिलाओं को बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ लगी उनको अच्छी अपने नाम पर घर लेना। सबसे ज़्यादा घर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आवास, जब किसी भी महिला का सपना होता है घर का सपना। और सब लोगों ने राजनीति भी बहुत करी, जब भी चुनाव आता है तो ये घर के नाम पे भी राजनीति हुई लेकिन सच में अगर महिला का नाम लिखने के साथ में जो घर बने इसमें सबसे ज़्यादा घर महिलाओं को मिले वो योजना सबसे अच्छी रही। और तीसरी हमारी सबसे योजना अच्छी रही सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हम महिलाओं की शक्ति है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जब हमें रोटिंग फंड मिलता है, जब 15-20 महिला इकट्ठा हो जाती है और वो इतना ही फंड उनको सरकार की ओर से मिलता है और अपने आप सशक्तिकरण तरफ आगे बढ़ती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, घर पे काम करती है तो वो घर में सबको जब मदद करती है तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल अलग होता है। दर्शनाबेन, क्योंकि टेक्सटाइल मंत्री आप हैं, टेक्सटाइल को लेकर जब भी नज़र में कुछ आता है देश में तो सबसे ज़्यादा सूरत सिटी का नाम आता है। आपने खुद ही कहा मिनी भारत। विपक्ष कह रहा है कि सबसे बड़ा जो आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात में पिछले 27 साल में धीरे धीरे करके निवेश होना बंद हो गया और अब निवेश हो ही नहीं रहा, देश में सबसे पिछड़ गया निवेश के मामले में गुजरात, क्या लगता है? कल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कैबिनेट और मेरे कैबिनेट सीनियर मंत्री जिनके पास टेक्सटाइल भी है पीयूष जी यहाँ आए थे। हम लोग करीबन पूरे दिन के दरमियान जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ से मिले। सुबह शुरुआत करी हम लोगों ने डायमंड एंड जेमन ज्वेलरी जहाँ इनका रोल बहुत बड़ा है, फिर टेक्सटाइल की बात आई जहाँ हम तीनों सेक्टर को मिले, वीवर्स को भी मिले, बड़े एक्सपोर्टर्स को मिले, ट्रेडर्स को मिले, दुकानदारों को मिले। जहाँ राजनीति की बात करती है, पिछले 5 साल के पहले चुनाव में GST के कारण यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वहाँ लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थी, पूरी पार्टी उमर पड़ी थी, यहाँ पे लोग आए थे। उसके बाद में 12 में से 12 और 16 रूरल की सीटों भी हम लेके आए थे। तो ये बार भी ऐसा ही है कि निवेश की बात करें अगर जब इंटरनेशनल लेवल पे अब देखा जाए कि ये कोविड से लोग उभर ही नहीं रहे, वहाँ हम लोग इतने हमारी इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जो भी योजना करी टेक्सटाइल के लिए और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी की सोच थी, जो वेस्टर्न जोन या पूरे हम लोगों के वेस्टर्न जोन जहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सब प्रदेश आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मैनमेड फाइबर में पूरी दुनिया यूज़ करती है मैनमेड फाइबर यूज़, और हम लोगों का स्टैक है सिर्फ 25% यूज़ हम लोग उसका स्टैक है। जब हमारा देश है खेती प्रधान देश तो यहाँ कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है तो कॉटन के ऊपर ही चलते रहे। यहाँ किसानों की आय दुगनी करने के चक्कर में हम लोगों ने जो पुरानी जो चीज़ें थी वहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को जो अन्याय हो रहा था उसको भी हम आगे लेके गए। तो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री को छोड़ के मैनमेड जहाँ यहाँ फार्म से नहीं, यहाँ यान से शुरू होता है, तो यान से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, तो यहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनके आंकड़े भी अगर आप निकालेंगे तो कोविड के समय में ये जो चीज़ें मीटिंग होती है वो मुंबई में होती थी, इसके बदले में यहाँ गुजरात में सूरत में हुई। और उन लोगों ने बोला कि हम लोगों को 100 करोड़ का ज़्यादा इंक्वायरी, 400 करोड़ से ज़्यादा, बिलियन से ज़्यादा की इंक्वायरी हम लोग कर चुके हैं
और एक्सपोर्ट में जो टारगेट कॉमर्स इंडस्ट्री ने टेक्सटाइल को दिया था 400 बिलियन का, तो उसको हमने 17 दिन पहले हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। इसमें भी सूरत का रोल ज़्यादा रहा, गुजरात का रोल ज़्यादा रहा, जो मैनचेस्टर कहा जाता था अहमदाबाद टेक्निकल टेक्सटाइल, जिसके लिए सूरत में जितनी स्कोप है, आर्मी के कपड़े यहाँ बनते हैं, कारपेट यहाँ बनती है, होम फर्निशिंग की चीज़ें यहाँ पे बनती है, तो जो वैल्यू एडिशन हुआ टेक्सटाइल में और इसके लिए जो योजना बनी, खास करके आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में, अमृत काल में जो प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण हम लोगों ने जो योजना पीएलआई स्कीम हम लोग पहले लाए, और इसी के साथ में जो टैक्स में, टैक्स के साथ में एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो भी उन लोगों की डिमांड थी, वो सेक्टर से बात करके उनका फ़ायदा सूरत को बहुत हुआ है। ठीक है, तो ये तो टेक्सटाइल का, तो आपको लगता है कि जीएसटी, जिसको राहुल गांधी ने कल भी मुद्दा बनाया कि जीएसटी की वजह से जो उद्योगपति हैं उनका बार बार वो नाम ले रहे हैं कि जिनको फायदा पहुंचा रही है सरकार और किसान जिनको नुकसान पहुंचा रही है सरकार, इसमें कोई दम नहीं है जीएसटी? कल ही रैली थी, कल ही जो लोग वहां सामने थे वो कल ऑनर कर रहे थे पीयूष जी का, क्योंकि उस समय भी पीयूष जी आए थे जीएसटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके साथ हमारे साथ रहे थे अरुण जेटली जी के साथ, तो वो लोग खुद बोल रहे थे, वो लोग खुद वो पार्टी छोड़ के हमारे साथ है, वो वीवर्स हमारे साथ खड़ा है, और वो खुद तारीफ कर रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है राष्ट्र का एक, जिसमें आने वाली पीढ़ी के लिए हमने अच्छे भारत का निर्माण किया है, वो भारत के निर्माण में नई पीढ़ी बहुत खुश है, जिसके उसका बिजनेस आसान होगा और उसको ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बुलेट ट्रेन का नारा बार बार गुजरात में दिया जाता है, इसीलिए सब जानना तो चाह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन, लेकिन एक तरफ जब हम बुलेट ट्रेन की तरफ सोच रहे हैं, दूसरी तरफ वंदे भारत, हाई स्पीड ट्रेन, तीन अब तक दुखद हादसे हो चुके हैं, आपको लगता है कि हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं बुलेट ट्रेन के लिए? हम लोग 8 किलोमीटर की, मतलब 8 पिलर बनते थे एक महीने में, अभी 100 पिलर बन के खड़े हैं। हम लोग 26 से पहले ट्रायल दे देंगे सूरत से बिलिमोरा के बीच में, इसके पहले, इसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनके स्टेशन चाहिए, उनका डबलीकरण, उनका केबल, उसका कवच का यूज़, ये सब होने लगा है। इसके साथ साथ में वंदे भारत का जो आप लोगों ने यूज़ देखा होगा, जितने भी फॉरेन अभी लोग आते हैं या फॉरेन से आते हैं, क्योंकि सूरत की पृष्ठभूमि में ऐसा है, रूरल वाले लोग जो यहाँ पे आते हैं शादियों में, वो सब फ़ोन करके बताते हैं कि ये ट्रेन की कल्पना हमने करी नहीं थी, जब ये हिमाचल में भी चली, जो पहाड़ी क्षेत्र में चली, और फिर कर्नाटक में भी चली, और हम लोगों ने आज़ादी के अमृत काल में 75 ट्रेन का वादा किया है, वो हम पूरा करेंगे, पूरी इको सिस्टम से काम कर रहे हैं, क्योंकि गतिशक्ति भारत के मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हुए, जो कई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जो सालों से जिसका खात मुहूर्त यही राहुल गांधी और सोनिया जी के कार्यक्षेत्र में हुआ था, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, क्योंकि अगर इसमें उनको पावर चाहिए, उनको लैंड एक्विजिशन चाहिए, उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट चाहिए, उसकी इको सिस्टम के लिए जो चीज चाहिए, वो हम लोगों ने गतिशक्ति मॉडल के माध्यम से ये हम लोगों ने फुलफिल कर लिया। दर्शन, क्योंकि आप टेक्सटाइल से लेकर तमाम विषयों पर यहां पर बता रहे हैं, सूरत में बैठ हम गुजरात की छवि देखने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार एक सवाल इस पूरे चुनाव कैंपेन में आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, उस पर तो मैं दोबारा से आऊंगी आपके पास, लेकिन ये जो 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की बात बार बार हो रही है कि कहां गया ये पैसा, अगर फ्री भी कुछ नहीं दे रही है सरकार, कोई ऐसी स्कीम नहीं है, तो आखिर इतना कर्जा कैसे चढ़ गया? नहीं तो आप सिर्फ गुजरात के आंकड़े क्यों देते हैं, बाकी स्टेट के आंकड़े क्यों नहीं देते? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात फर्स्ट आया, जिस दिन भी वो जो हमारे पैरामीटर्स है कि जहां स्टेट का प्रोग्रेस नापा जाता है, आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो 75,000 नौकरियां की बात चल रही थी, 71,000 नौकरियां जो आई, इसमें गुजरात ने सबसे ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी है, तो ये जो पैरामीटर की बात है, और इसमें सिर्फ आप कर्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना निवेश आया, कैसे हमारे स्मार्ट से, ये सूरत की बात करिए, कल पीयूष जी बता रहे थे कि हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में 55 फ्लाईओवर बने थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि बहुत बड़ी बात है जो आज तक पूरे नहीं हुए, और यहाँ 118 फ्लाईओवर थे, उन्होंने कल 25 गिने कि अगर सूरत के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो ये स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है, यहाँ स्मार्ट सिटी में जो जो चाहिए सुविधा, वो पूरे भारत के लिए जो एक माइलस्टोन है कि यहाँ पे सीखने आते हैं लोग, अर्बन मिनिस्ट्री भी यहाँ से आती है, हमारे ही लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे ही कॉरपोरेशन के अधिकारी है जो बार बार ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में वहाँ प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। स्वच्छ सिटी का विरुद्ध देखिए कि वो प्रजा का इन्वॉल्वमेंट देखिए कि दूसरी बार
इतने बड़े शहर में स्वच्छ भारत में सूरत का नंबर दूसरा आया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, सुविधा देने की बात हो, सबको घर देने की बात हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास सबसे ज़्यादा सूरत में है, यहाँ झुपड़पट्टी है ही नहीं, तो हम लोगों ने ये वो पूरा जीरो कर लिया है। रेलवे ट्रैक के पास में इतनी सारी जगह थी, अब देखिए कहीं पे भी रेलवे के पास में जो एनक्रोचमेंट होता है ये चीज़ खाली करा के देखिए, अब कई राज्यों में जाएंगे वो देखेंगे कि वहाँ पूरा एनक्रोचमेंट है। यहाँ सूरत में एनक्रोचमेंट में भी एक भी हर्डल नहीं आया, वो जगह खाली होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वही लोगों को ये आवास भी मिल गए। तो ये जो सिस्टम है यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत का श्रेष्ठ उदाहरण है, वो सबसे ज़्यादा सूरत में है। सूरत के लोगों ने बहुत शांति देखी है, बहुत अच्छे से उन लोगों ने अपना बिजनेस एक दूसरे से किया है। कोविड के समय में जब सब लोग लॉकडाउन लगा हुआ था, आपकी भी कुछ तस्वीरें आई कि किस तरह किचन में आप खाना भी बना रही हैं, आप एक गृहिणी की तरह काम भी कर रही थी। महंगाई एक मुद्दा लगता है जब आप किचन में जाकर देखती हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में विपक्ष बना रहा है, आपको नहीं लगता? मतलब जब हम लोगों की पहली, जब हम पहले सब्जी सोने के भाव देखिए, जब शुरुआत में मेरी शादी हुई थी कब क्या भाव था, इसके बाद में क्या हुआ, आज कैसे हुआ, तो सभी चीज़ों में भाव तो बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़े हैं। और दुनिया के पैमाने पे देखा जाए तो जो यूके की, ब्रिटेन की सबसे बड़ी इकोनॉमी के पछाड़ के हम पाँचवें नंबर पर आज खड़े हैं। तो ये अमेरिका में देखिए, जब वर्ल्ड टूर पे लोग जाते हैं या तो यहाँ कोविड के बाद में सब लोग गए, सबसे ज़्यादा ये बार सूरत के लोगों ने भारत में घूमना पसंद किया, क्योंकि अभी कई कंट्री ऐसे हैं कि जहाँ कोविड से लोग उभरे ही नहीं हैं, तो वहाँ कोविड से उभर के आगे बढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने बिजनेस को आगे ले जाना और इसके साथ साथ में चलना। यूक्रेन वॉर के कारण जो महंगाई में या पेट्रोल के दाम के ऊपर जो इफेक्ट इनडायरेक्ट हुआ है, सभी कंट्रीज़ को हुआ है, कल ही आप स्टेटमेंट उसका देख लीजिए। और इसके उभरने के लिए पिछले महीने ही जो हम लोगों का जो महंगाई भत्ता जो आंकड़े आए, कल पीयूष जी बता रहे थे कि इसमें भी हम लोगों ने कम किया जो खरीदारी के लिए। तो ये मुद्दा इसीलिए नहीं बनता है कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, लेकिन इसके उभर के आगे आने में सबसे बड़ा रोल रहा भारत का और प्रधानमंत्री का। G20 समिट होने जा रही है, अब देखिए पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर है, जब इतना भरोसा उन्होंने किया है तो ये भाजपा की सरकार भरोसे से चल रही है। जो तस्वीरें बार बार वायरल की जा रही हैं दोनों ही पार्टी की तरफ से, भीड़ की तस्वीरें हैं कि किस तरह जनता का हुजूम उनको सुनने के लिए आ रहा है, रोड शो में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल लोग आ रहे हैं, ये भीड़ क्या जता रही है? फिर देखो, आप तो मुझे भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ बैठी हो रही सब पब्लिक को पता है, कई तंत्री भी बैठे हैं, मैं जानती हूँ कि राजनीति के समय, मतलब जब चुनाव का समय होता है तो ये फोटो नहीं छापने चाहिए, लेकिन मैं तो सामान्य फोटोग्राफर की लड़की हूँ। आज ही मैंने मेरे चुनाव के दौरान, जिसमें आपका टाइम बदला गया, उस समय मैं जहाँ रैलियाँ कर रही थी वहाँ पर आप पार्टी के कार्यालय पर ताला लगा हुआ था और मेरे साथ में भीड़ थी, तो क्या आप उसको गलत बोलेंगे? ये सच बात है। वो जो खुद तस्वीर निकाली है वो चीज आज मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाली है, अगर एक बार चाहे तो यहाँ के लोग भी वो मतलब प्रिंट मीडिया वो दिखा सकती है कि सच में है कि नहीं ये चीज। वहाँ पे वो जो उनका गुब्बारा फूट चुका है। कल मैं पीयूष जी के साथ गई, हम लोग कई बार ऐसा हुआ फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर चाहे बहुत सारे कार्यालय आए, तो उन्होंने बार बार पूछा कांग्रेस कार्यालय कहाँ पे है, क्यों यहाँ पे कुछ लोग नहीं है, आपका कार्यालय कहाँ गया। सभी जगह के फोटो मेरे पास है, अगर मैं एक सामान्य फोटोग्राफर की लड़की यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे मोबाइल में से आपको मैं फ़ोटो दिखा सकती हूँ, ये कार्यालय पे ताले लगे हैं। तो कार्यकर्ता की भीड़ करना, वो एक ही भीड़ हर जगह पे जाना, हर कैंडिडेट के पास जाना और वो चुनाव में अपना एक माहौल खड़ा करना, वो चीज़ नहीं है। और हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख से लेके हम लोग ने पूरी, अगर मैं मंत्री भी हूँ, रेल मंत्री, लेकिन मेरा 78 नंबर के बूथ पे मेरे वार्ड में मेरे 1500 वोट में से सबसे ज़्यादा कितने वोट आए उसकी मीटिंग करनी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये हमारी पार्टी का कल्चर है, हमारे सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो हम लोग जमीन पर है और वो लोग मीडिया पे है। हवा हवा ही कह रही हैं आप, वही है दर्शना बेन, क्योंकि कांग्रेस का आपने जिक्र किया, अशोक गहलोत जो यहाँ पे लगातार पिछले कई महीनों से डेरा जमाए हुए हैं, एक महिला होने के नाते आपसे सवाल पूछूंगी। एक बहुत ज्यादा चर्चित अभी इस वक्त जो केस चल रहा है उसको लेकर अशोक गहलोत ने कल एक बयान दिया और वो ये बयान दे रहे हैं और निशाना आपके ऊपर साध रहे हैं, मतलब बीजेपी पर, कि आफताब ने जिस तरह से जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ उसको आप लोग सिर्फ सांप्रदायिक चश्मे से देख करके इस चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था ये तो एक दुर्घटना थी और सालों साल से ऐसा होता आया है, इसमें नई बात क्या है?
देखिए ऐसे जितने भी केस हुए हैं आज तक, इसमें किन्होंने राजनीति करी, हमने करी या उन्होंने करी? जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे किससे पकड़ के राजनीति करने का काम उन लोगों का है, और हम लोगों का काम है सच्चाई लोगों तक ले जाना। और सच्चाई में आज नार्को टेस्ट हो रहा है आज उसका भी, और लोगों को पता है। अंत में चलते चलते, क्योंकि सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव जो है आजकल सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं वही किसी को जिता भी सकती हैं, हरा भी सकती हैं। आपको भी लगता है ऐसा कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो चुका है? नहीं, प्रभावशाली तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग जितना भी वहाँ पे आ गए, जैसे सब लोगों को अभी पता चलने लगा है कि व्हाट्सएप से न्यूज़ के ज़्यादा हम लोगों को जो अफवाह फैलती है, क्योंकि एक वायरल हो जाता है धड़ाक से, लेकिन उसके बदले में उनकी ऑथेंटिसिटी को तपास कर उनको निकाल कर बाद में उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो ये भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं चलती है। और सोशल मीडिया में बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरियां हैं, ट्विटर हैंडल है, और इसके साथ में प्रिंट मीडिया तो अभी भी ऐसे बैठी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि प्रिंट इंडिया ने अपना रोल खत्म नहीं किया, वो जो प्रहरी है, समाज के तीसरे प्रहरी है, उन्होंने अपना रोल कायम रखा है। तो इनके प्रति सम्मान रखने वाली भी कई लोग हैं जो सुबह के अखबार का अखबार की राह देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शना बेन, इतना आपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, और खास तौर पर जो महिला होने के नाते जो आपने अपना सफर तय किया है उसके बारे में भी आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने।